जिला हमीरपुर की अंडर 14 वर्ग के लड़कों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय ब्राहलड़ी में बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 30 स्कूलों के लगभग 368 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने ध्वजारोहण कर खेलकूद प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने प्रेरणादायक संबोधन में नरेंद्र ठाकुर ने बच्चों से आह्वान किया कि वे स्वस्थ रहने, एक जिम्मेदार व सक्षम नागरिक बनने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से एक सामूहिक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे मानव के अंदर का उत्पन्न अवांछित दोष जैसे ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमीरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिमाचल में अग्रणी है और वे चाहते हैं कि इसी तरह जिला खेलकूद गतिविधियों में भी पहले स्थान पर बने और इसके लिए सभी प्रयास करें। उन्होंने पाठशाला में खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए 11,000 रुपए भी दिए। इससे पूर्व पाठशाला के मुख्य अध्यापक एवं समन्वयक देशराज कमल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और आयोजन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पाठशाला के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। जगदीश चंद्र शक्ति देवी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन मदन लाल शर्मा ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए 5100 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर ज्योति प्रकाश प्रधान ग्राम पंचायत नालटी, पंडित रमेश शर्मा पूर्व प्रधान, पूर्व PDC अनिल शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेश कुमार, जगमोहन पाल शर्मा, प्रवेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक बैठक आज हमीर भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति की सभापति आशा कुमारी ने की। समिति के सदस्य विधायक सर्वश्री कर्नल इंदर सिंह, बलवीर सिंह, अर्जुन सिंह, राकेश जम्बाल, सुभाष ठाकुर तथा होशियार सिंह इसमें विशेष रूप से उपस्थित थे। लोक लेखा समिति भारत के महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लंबित ऑडिट पैरा की समीक्षा हेतु आजकल विभिन्न जिलों के प्रवास पर है। आशा कुमारी ने कहा कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी विकास राशि का आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में सदुपयोग हो। जिला के अधिकारी अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं व आवंटित राशि इत्यादि का पूर्ण विवरण रखें और राज्य निधि का पारदर्शी व जवाबदेह ढंग से व्यय सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आवंटित की गई राशि का सही उपयोग करें, इसे जन विकास में व्यय करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों से ये भी आग्रह किया कि वे ऑडिट पैरा से संबंधित तथ्यों की पूर्ण जानकारी 23 मयाविधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि इसका तद अनुसार समाधान किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज की इस बैठक के सार्थक परिणाम सामने आए। बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, वन व राजस्व सहित अन्य विभागों से संबंधित ऑडिट पैरा पर विस्तृत चर्चा की गई। लोक निर्माण विभाग से आग्रह किया गया कि विभाग ऑफलाइन निविदा प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाए। बैठक के दौरान समिति के सभी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे और बहुमूल्य सुझाव भी दिए। इससे पूर्व उपायुक्त हरकेश मीणा ने समिति की सभापति व सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि आज की इस बैठक में समिति की ओर से दिशा निर्देशों व सुझावों की जिला में आरक्षक अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और सभी विभागों द्वारा तय समयावधि में प्रतिवेदन प्रेषित कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, अनुभाग अधिकारी रीता शर्मा, अधीक्षक बलदेव राज, महालेखा परीक्षक कार्यालय से वरिष्ठ लेखा अधिकारी रमेश चौहान व वरिष्ठ लेखाकार नगेंद्र कुमार, वरिष्ठ प्रतिवेदक मंजू शर्मा व शारदा देवी सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बन्ने दी हटी नामक क्षेत्र में रोड क्रॉस करते समय एक
बुजुर्ग महिला की बाइक के साथ टक्कर हो गई, जिसे घायल अवस्था में स्थानीय लोगों द्वारा ज्वालाजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां पहुंचने के 15 मिनट बाद ही बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस चौकी रानीताल के तहत ये मामला पेश आया है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रीता देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी हरि सिंह घर से दवाई लेने के लिए निकली हुई थी कि इसी बीच रोड क्रॉस करते समय एक बाइक उसके साथ जा टकराई और इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस बाइक के साथ महिला के साथ ये हादसा पेश हुआ उसमें दो लोग सवार थे जो होशियारपुर से आगे कांगड़ा की ओर जा रहे थे। हादसा होने के बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए ज्वालाजी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सतेंद्र वर्मा ने उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया, लेकिन इस बीच वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया। ज्वालाजी पुलिस ने मामला अन्य चौकी का होने के चलते अपनी कागजी कार्रवाई करते हुए इसकी जानकारी रानीताल पुलिस चौकी में दी। DSP देहरा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।